हेलो गाइस, तो मैं हूँ अर्नब। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा सर्च इंजन कैसे बनाते हैं, जो आप जो भी लिखेंगे उसको सर्च करेगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना नोट पैड ऑन कर लेता हूँ। मैंने बेसिक्स स्केलेटन एचटीएमएल का रेडी रखा है। तो सबसे पहले मैं एक टैग लगाऊंगा, फॉर्म टैग। और उसके बाद हमने तब इनपुट लेना है, इनपुट टैग लगाना है हमने। इनपुट टाइप इसकी होगी टेक्स्ट। और हमने इसमें एक और चीज लगानी है, नेम। इसका नेम होगा क्यू। इसका नेम क्यू रखना कंपलसरी है। और जो ये फॉर्म है उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट आएंगे, एक्शन। फॉर्म का एक्शन होगा https google.com/search। अब एक बार इसे सर्च कर देखते हैं। देखिए एक इनपुट आ गया, थोड़ा जूम कर दिखा देता हूँ। देखिए रहा इनपुट। अब मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि मैं सर्च करूँगा कोड इन्फिनिट विथ अर्नब। मैंने इसे सर्च किया और इसे सर्च कर देगा। ये देखिए इसने सर्च कर दिया कोड इन्फिनिट विद अर्नब। देखिए अब हम इसे CSS का यूज करके हम इसे और स्टाइल्स देंगे। हम मिनिमाइज कर दिया मैंने इसे। तो अब हम पहले हम इनपुट को हम सेंटर में ले आते हैं। होम का हम डिस्प्ले अलग कर देंगे। डिस्प्ले हम करेंगे फ्लैक्स, फ्लैक्स बॉक्स। फिर हमें ऐड, उसके बाद हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट। सेंटर में आ जाएगा इनपुट। और इनपुट के ऊपर हम बॉर्डर भी लगा देते हैं। सॉलिड 2 pixels ब्लैक। अब इसे सेव कर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर इनपुट आ गया है। अब मैंने सर्च किया, ये देखिए, ये मैं जो भी सर्च करूँगी उसे गूगल कर देगा। ये देखिए गूगल में आ रहा है इसके रिजल्ट्स। तो इसके साथ आप यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं, अपनी कोई भी वेबसाइट के अंदर ही आप लगा सकते हैं ऐसा सर्च इंजन। सर्च इंजन आप अपना भी पैसे बना सकते हैं। आप जो भी लिखेंगे उसे गूगल कर देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। बाय।